सोमानी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली न्यूज़ की अपडेट आपको मिल सके। भारतीय हुकूमत का मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त से आज पाबंदी खत्म करने का फैसला। मोदी सरकार ने पीर से पूरे मकबूजा कश्मीर में टेलीफोन सर्विस बहाल करने की मंजूरी दे दी। कर्फ्यू और दीगर पाबंदियां ताहर खत्म नहीं की गई। तफसीलात के मुताबिक भारतीय मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि भारत की मोदी सरकार ने 5 अगस्त से मकबूजा कश्मीर में नाफज पाबंदियों में नरमी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की जारा सफारतकारी के बायस आलमी बरदारी ने भारत पर भरपूर दबाव डाला, जिसके बाद अब मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में टेलीफोन सर्विस बहाल करने का फैसला किया है। बताया गया है कि पीर 14 अक्टूबर से पूरे मकबूजा कश्मीर में टेलीफोन सर्विस बहाल कर दी जाएगी। कश्मीर में सिर्फ लैंडलाइन टेलीफोन सर्विस बहाल की जाएगी, जबकि मोबाइल फोन सर्विस ताहाल बंद रहेगी। ताहम मकबूजा कश्मीर में नाफज कर्फ्यू और दीगर पाबंदियों का ताहाल खत्म करने का फैसला नहीं किया गया। वाजह है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी मुआसरा हफ्ते को मुसलसल 17वीं रोज भी जारी रहा, जिसके बायस वादी कश्मीर और जम्मू खत्ते के लोगों को बदस्तूर मुश्किल का सामना आया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की मौतरी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी के बाद कश्मीरियों को खुराक और अद्वियात समेत बुनियादी अशिया की शिदत किल्लत का सामना है। लोगों ने भारतीय कब्जे के खिलाफ अपनी दुकानें और कारोबारी मराकज खामोश एहतजाज के तौर पर बंद कर रखी हैं। भारतीय हुकूमत की तरफ से लैंडलाइन सर्विस की बहाली जैसी नमाशी इकदाम के लोगों की मुश्किल कम करने में नाकाम साबित हुए हैं।